सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर रशिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए के अटैक से सेफ रहने के लिए रशियंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ताकि वो लोगों में से सुपर हीरोज की आर्मी डेवलप कर सके। और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवर दोनों पर किए जा रहे थे, जहाँ पर उनके डीएनए को चेंज किया जा रहा था और लोगों को पावर देकर सुपर हीरो बनाया जा रहा था। मुल्क में बहुत सारे सिटीज में ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जिनमें सिर्फ कुछ लोगों को ही सुपर हीरो बनाया जा रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ लोगों पर कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोगों में सुपर पावर आ जाती है, इसीलिए ये सुपर हीरोज बन जाते हैं। पहला सुपर हीरो वो था जिसने डीएनए चेंज होने के बाद एक नया ही रूप लिया था। वो एक पावरफुल एनिमल में चेंज हो सकता था। जो सेकंड हीरो था उसने काफी स्पीड हासिल कर ली थी और वो तलवार चलाने में तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। तीसरा वो था जो जमीन की मुख्तलिफ चीजों जैसे हवा, पानी, पत्थर पर अपना कंट्रोल कर सकता था। चौथी एक फीमेल थी जिसका नाम था ज़ीनिया, जो कि इनविजिबल होने की पावर रखती थी। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा भी कर सकती थी और वो जब चाहे पानी में अपनी बॉडी चेंज कर सकती थी। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर हीरोज थे। एक प्रोफेसर इस सारे प्रोजेक्ट के हेड थे। अब ये तो थे रशिया के एक्सपेरिमेंट्स। अब हम अमेरिका की लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम अगस्त होता है, जिसके कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से यूएसए गवर्नमेंट उनके इन एक्सपेरिमेंट्स को क्लोज कर देती है। अगस्त को जब ये बात पता चलती है कि रशिया के एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए हैं, तो वो जेलस होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। और जेलसी में आकर वो अथॉरिटी से एक लोकेशन पर आ जाता है। वहाँ पर आकर वो अपने खुफिया एक्सपेरिमेंट्स करता है जो कि इलीगल थे। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इनोसेंट और बेकसूर लोग शिकार बनते हैं और वो ये नहीं जानते थे आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट्स को जेलिसी में आकर उसने इतना सर पर सवार कर लिया था कि वो अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। मिलिट्री को पता चल जाता है कि वो इलीगली एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, इसीलिए मिलिट्री उसकी इस लैब पर अटैक कर देती है, जबकि वो तो पहले से ही जानता था कि मिलिट्री ने उस पर अटैक कर देना है। इसीलिए उसने पहले से ही लैब में टाइम बॉम्ब सेटअप किया था, जिसमें बाकी ऑफिसर्स मारे जाते हैं लेकिन वो खुद बच जाता है, क्योंकि खुद पर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया होता है वो उसकी वजह से बचा होता है। एक्सपेरिमेंट का असर जब उस पर होता है तो वो जानवर की तरह ही लग रहा था। उसने अपनी बॉडी को ऐसे सेटअप किया था कि वो मशीन्स पर अपना कंट्रोल कर सकता था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। ये सिर्फ यहाँ ही तबाही नहीं मचाता, बल्कि जहाँ सारे सुपर हीरोज को रखा गया था उस मेन लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सुपर हीरोज को तो मुकाबला करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो नए नए हीरो जो बने थे, इसीलिए वो नहीं जानते थे कि आखिर सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। इसीलिए ब्लास्ट से जान बचाने के लिए वो सेपरेट जगहों पर जाकर छुप जाते हैं, दुनिया की नजरों से बचते हुए लाइफ को आगे लेकर बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि किस तरह ये रोबोट्स आने वाली वॉर्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन अचानक इन रोबोट्स में कोई खराबी हो जाती है और वो मिलिट्री के टैंक्स को ही ब्लास्ट कर देते हैं। वो कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर भी अगस्त ही सर्वाइवर होता है। इसके बाद डिफेंस की मिलिट्री मीटिंग रखती है, जिसमें ये बात तय होती है कि सुपर हीरोज को कहीं से भी ढूंढकर वापस लाया जाएगा, ताकि वो गवर्नमेंट का साथ देकर अगस्त के खिलाफ लड़ सके। इस मिशन की लीडर एक फीमेल थी जिनका नाम था मेजर एलिना। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरोज को तलाश करना शुरू कर दे। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है जो कि काफी अरसे से अगस्त का मुकाबला करना चाह रहा था, क्योंकि अगस्त ने बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। जब उसे ये पता चलता है कि मिलिट्री का ये मिशन अगस्त के खिलाफ है, तो वो पार्टिसिपेट कर लेता है। दूसरा हीरो किसी दूसरी कंट्री में मिलता है और वो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। तीसरे हीरो को एक जंगल से ढूंढ निकालते हैं। आखिरी थी ज़ीनिया, जो टीवी शोज कर रही थी और काफी फेमस हो गई थी। वो भी मिशन के लिए मान जाती है और अब वो चारों मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगस्त के पहले लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि उस एरिया में तो सिक्योरिटी काफी अलर्ट है। लैब के चारों तरफ अगस्त के लोग पहरा दे रहे हैं। ज़ीनिया जो कि इनविजिबल होकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अगस्त और उसके लोग तो इन चारों सुपर हीरोज का वेट कर रहे थे पहले से ही। इसीलिए अगस्त के लोग ज़ीनिया पर अटैक कर देते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से ज़ीनिया फ्रीज हो जाती है। दो सुपर हीरो भी काफी लड़ाई कर रहे होते हैं और वो अगस्त के काफी सारे लोगों को मार भी डालते हैं, लेकिन दूर से ही उन पर फेंट करने वाले इंजेक्शन से स्टैब किया जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तीसरा हीरो जो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उसकी अगस्त से गहरी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे से काफी नफरत भी करते थे, इसीलिए उसका मुकाबला करने के लिए अगस्त खुद बाहर आता है। लेकिन अगस्त उस सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए अगस्त उसे मारकर फेंक देता है। फिर चारों को पकड़ लिया जाता है और उनके सामने अगस्त एक डील रखता है कि तुम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट से फाइट करो, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से अगस्त को गुस्सा आ जाता है।
ही वो तीनों को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स कम हो जाती है। लेकिन जो चौथा सुपर हीरो था उसे काफी इंजर्ड कर दिया जाता है। इस तरह रशिया के सुपर हीरो दुश्मन के ट्रैप में फंस चुके थे। अगस्त अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ता है। वो मिलिट्री की गाड़ियों और टैंक्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और सिटी में आबादी में ले आता है, जिससे वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में आकर तबाही मचाते जा रहे थे। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो दो बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ता है और उसके चौपर उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं। उसका मिशन ये था कि वो सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल्स पर अपना कंट्रोल कर लेगा, जिससे होगा ये कि वो सारी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिससे बड़े बड़े वेपन्स लाइक मिसाइल, चौपर, एयरक्राफ्ट उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाएगी और वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। फिर वो जिस पर चाहे उस पर अटैक कर सकता है। मेजर एलिना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने जाती है, जिन्हें सेफली वो अपने सेंटर में वापस ले आती है। उसे रियलाइज होता है कि ये सुपर हीरोज नए हैं, इन्हें ट्रेनिंग्स की जरूरत है। फिर वो सोचती है कि आखिर इनको ट्रेन कैसे किया जाए। तभी वो ये जान पाते हैं कि अगस्त जिस पुरानी लैब में काम करता था वहाँ पर उसका एक साथी भी था, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ जानता था। मेजर एलिना अगस्त के उस साथी को ढूंढ निकालती है किसी तरह। मेजर एलिना उसे कहती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट है, हमने उसे स्टडी करना है ताकि हमें अगस्त का वीक पॉइंट पता चल जाए और हम उस पर अटैक कर दें। दूसरी तरफ अगस्त टावर्स लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और टावर्स के पास जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं सब पर अपने रोबोट्स लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स इन्हें मारने आते हैं ये उन्हें मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर वो उस टावर के जरिए जो वो अपने साथ लाया था अपना प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है और जो मेन सैटेलाइट रह गई थी वो उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। मेजर एलिना अपने सुपर हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे मुकाबला करना है, कैसे फाइट करनी है, कैसे फायरिंग करनी है। उन सुपर हीरोज को उनके काम के अकॉर्डिंग सूट दिए जाते हैं ताकि इससे उन्हें और ज्यादा पावर मिले, क्योंकि वो सूट काफी खतरनाक थे। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद टीम रेडी हो जाती है। फिर ये टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और अगस्त के लोगों को मारने लगती है। उस जगह पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। फिर ये लोग बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं। बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप था और ये लोग उसी पाइप के जरिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगस्त के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इनका एक साथी एक सुपर हीरो इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो लोग मुश्किल में फंसे हुए थे। फिर एक सुपर हीरो हवा में फ्लाई करते हुए आता है। वो अगस्त के लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और ये चारों लोग अब उस टावर में आ जाते हैं। उनका प्लान अगस्त की प्रोग्राम और उसके कंट्रोल को डिस्ट्रॉय करना है। जीनिया आगे बढ़ती है और पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर वो बेयर नहीं कर पाती और भी होश हो जाती है। तब दूसरा सुपर हीरो आकर उसे वहाँ से हटा देता है। पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो गई थी। फिर ये चारों सुपर हीरो ऊपर आ जाते हैं और अगस्त से लड़ने लगते हैं, लेकिन अगस्त उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो उन चारों को मार मार कर गिरा देता है। अगस्त उन्हें जान से ही मारने वाला होता है कि तभी उनका एक साथी वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी पावर से अपने तीनों साथियों को उठाता है और एक रस्सी से बांध देता है। उनकी जो रस्सी होती है वो एक प्लेन के साथ बंधी होती है, लेकिन अगस्त उस प्लेन को अपने कंट्रोल में लाकर उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन वही सुपर हीरो जो इनको लेकर गया था वो रस्सी काट देता है और वो चारों आकर पानी में गिर जाते हैं। वो एक बार फिर से अगस्त का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पर मेजर एलिना आ जाती है, क्योंकि अगस्त के साथी उस बूढ़े आदमी ने मेजर एलिना को कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। वो बूढ़ा आदमी अगस्त के अलावा इन चारों सुपर हीरोज का डीएनए टेस्ट कर रहा था, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये चारों इकट्ठा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी पावर बना सकते हैं। लिमिट क्रॉस होकर वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे अगस्त और उसकी सारी पावर्स का खात्मा हो जाएगा। फिर ये चारों एक होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक बड़ी पावर बनाने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव पैदा होने लगती है, जो कि काफी पावरफुल थी। जब वो पावर ब्लास्ट होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट इसकी लपेट में आ जाता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अगस्त भी मर जाता है। इस तरह से रशियन सुपर हीरोज पूरी दुनिया को सेव कर लेते हैं। वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे, इसकी वजह से वो काफी खुश हो जाते हैं। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।